ऑटोमोबाइल्स नियर लास व्यास डॉक्टर क्लिनिक चित्तौड़ चौराहे के पास बूंदी। 22 छात्रों की जान बचाने वाले जाबाज पुलिस कर्मियों का किया सम्मान। शहर के नेनवा रोड स्थित निजी स्कूल के वैन चालक द्वारा शराब के नशे में धुत होकर स्कूली बच्चों से भरी वैन को लापरवाही व फिल्मी स्टाइल तरीके से चलाते हुए देखकर उसका पीछा कर तत्परता दिखाते हुए उसमें बैठे 22 बच्चों को सुरक्षित उतारकर उनके घर पहुंचाने वाले यातायात कर्मी संगत सिंह व सदर थाने के जवान नेत्राम गुजर का बुधवार को विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने शहर के एक निजी रिसोर्ट में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान संगठनों की ओर से पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस दौरान व्यापार संघ से जुड़े लोगों ने कहा कि ऐसे पुलिस कर्मियों का जिला स्तर व राज्य स्तर पर भी सम्मान होना चाहिए, इससे उनका हौसला अफजाई हो सके। इस मौके पर संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रेम प्रकाश एवरग्रीन, सचिव प्रशांत मोदी, सुरेश कुमार, अनिल नंदवाना, प्रदीप गलानी, मनीष शर्मा, सर्वेश अग्रवाल, मानव सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल, राशि माहेश्वरी, वशीदा राठौर, नम्रता शुक्ला, महेंद्र बना मौजूद रहे। इसी के साथ यातायात प्रभारी सुरजीत सिंह का भी स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूँ, आपके द्वारा ये बहुत सराहनीय कार्य किया गया है, बिल्कुल जागरूकता का परिचय दिया गया है। मैं चूंकि व्यापार संघ के साथ साथ किसी पार्टी दल से भी ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं राज्य सरकार को पत्र लिखूंगा कि आपको राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है, क्योंकि आपसे जनता को प्रेरणा मिलेगी ताकि वो ज्यादा ज्यादा एक्टिव होंगे। 26 जनवरी पे भी इनको सम्मानित किया जाए। बी एम ए प्रशासक से और जिला कलेक्टर साहब से एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि इन तीनों जवानों का मतलब किया जाए, जिससे क्या है आगे वाले जवानों को हौसला बढ़ेगा और इससे क्या है कि पब्लिक को भी हौसला मिलेगा और स्कूलों को भी स्ट्रिक्टली किया जाए कि उनकी क्या है कि आधार कार्ड उनकी जाँच पड़ताल करके उनकी मेडिकल जाँच करा के भाई ये ड्रिंक करता है नहीं करता, नशे पत्ते नहीं करता, क्योंकि अपन जितने भी बंदे शुरू से जुड़े हुए हैं सबके परिवारों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। मतलब 22 बच्चों को लेकर मुकेश गुजर जो वैन चालक था वो लेके जा रहा था, पर वो शराब के नशे में था और उसे अपनी गाड़ी को इधर उधर कर रहा था। उस वक्त नीतराम जी और संगत सिंह जी ने जो कार्य किया, उन वैन को लेके सदर थाने में गए और उन 22 बच्चों की जो जान बचाई, आज उनके सम्मान के लिए सामर्थ्य सोसाइटी, व्यापार संघ और सभी जो भी संस्था सभी संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर उनका सम्मान समारोह रखा गया है। तो मैं पुलिस के ऐसे जवानों को जो ऐसे दिन रात हमारे लिए कार्य करते हैं उनको मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि यही काम वो मतलब करते रहें देश की सेवा के लिए और निरंतर मतलब जो लोगों की सेवा करते रहते हैं ये लोग, उसमें हमें इनका साथ देना चाहिए क्योंकि हम ये जो भी कार्य करते हैं वो जनता की सेवा के लिए ही करते हैं। आप लोगों ने जो हमारे कार्य के लिए हमारा सम्मान किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप लोग हमेशा इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे तो हम और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। रात दिन हम आपकी सेवा में तत्पर हैं और जो भी स्कूल वगैरह में ऐसी जो वैन वगैरह चलाते हैं इनको पहले भी हमने 7 दिन अभियान चला के सबको निर्देश दिए थे, स्कूलों को रजिस्टर संचालित करने के निर्देश दिए थे, इनको परिचय पत्र जो ड्राइवर हैं वैन के इनको सबको परिचय पत्र देने के निर्देश दिए थे, फिर भी इन लोगों ने पालना नहीं की। तो हम दोबारा फिर ये अभियान चलाकर जितने भी स्कूल हैं बूंदी में जो प्राइवेट वैन चल रही हैं इनकी बाल वाहिनियाँ चल रही हैं उन सबसे संबंधित इनको जानकारी देंगे और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस तरह के बाहर जो बच्चे बिठाए जाते हैं वैन में वो लेकर बिल्कुल जो बिठाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 7 तारीख को ऐसे सूचना मिली भी कोई ड्राइवर नशे में दो बच्चों को लेकर जा रहा था,
तो उसको रोका संगत जी ने, मैंने फिर उसको ले जाके थाने में बंद किया। आप लोगों ने इसके लिए हमारा सम्मान किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। अपनी लंच टाइम ड्यूटी खत्म करके वापस जा रहा था ऑफिस, ट्रैफिक ऑफिस में सर कॉलेज के सामने एक वैन तेज गति से आती हुई दिखी। मैंने उसको रोकना चाहा लेकिन उसने रोकी नहीं, वो भगा के दूसरे अपने 84 कम्बों की छतरी गली में चला गया। मैंने वहाँ जाके उसको कैसे कैसे करके वैन को रुकवाया। वैन रुकवा के मैंने टी साहब को कॉल करा, टी साहब ने कहा कि वैन को वहीं रोकना, आप उसको छोड़ना मत। मैंने बच्चों के बारे में पूछा तो बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि हम छुड़वा देंगे, और वैन को हमने रोके, मैंने कंट्रोल रूम पर बताया, और उन्होंने फिर वापस चैतक और सदर थाने से नेत्राम जी को इनको सबको भेजा। जब जाके वो वैन को रोको, वो दारू में धुत था ड्राइवर था, जो नशा कर रखा था, और हो सकता था वो बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाता। ये सर वही 12 के लमसम की बात थी सर, 12 के बाद की थी सर, 12 बजे लंच टाइम में आ रहा था उस टाइम की बात, कॉलेज तरह की बात। आनंद एंड लकी ग्रुप लाए है बूंदी में सभी बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का शोरूम, मातेश्वरी ऑटोमोबाइल्स, सभी व्हीकल आधुनिक फीचर के साथ, जिसमें है हैवी मोटर, ज्यादा बैकअप, किफायती रेट के साथ। इनॉग्रेशन पर बड़ा ऑफर। एड्रेस मातेश्वरी ऑटोमोबाइल्स, नियर लास व्यास डॉक्टर क्लिनिक, चित्तौड़ चौराहे के पास बूंदी। दर्शन जो है आपका अपना विश्वास।